general staff, officers, organizing committee, memberan, qabil-e-qadr sponsors, khwateen o hazrat, aur hamare kaidi bhai jo udhar baithe hue hain. Assalamu alaikum. मैं बड़ी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने 14th CNSMHA गोल चैम्पियनशिप बड़े अच्छे अंदाज से मुकम्मल की और ये जिन लोगों ने ये चैम्पियनशिप के डिफरेंट मदारिज के अंदर जो इनामात जीते हैं उनका भी शुक्रिया, स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब वालों की डिसिप्लिन और सब इन सब चीज़ों का शुक्रिया. मैं भी यहाँ क्योंकि रेगुलरली खेलता भी हूँ लिहाजा मुझे अंदाज़ा है कि किसी गोल्फ कोर्स को मैनेज करना, उसको चलाना, उसकी ग्रीनरी का ख्याल रखना, उसकी ग्रीन्स का ख्याल रखना, ये सब आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है. और इतना कुदरती एतबार से हर गोल्फ क्लब जो ग्रीन किया जाता है वो वैसे ही नज़रों के लिए बड़ा खूबसूरत नज़र आता है. इंसान मुतलाशी है हमेशा से, इंसान पूरी तारीख में दूर दूर जाकर नज़ारे देखता है. और मुझे हमेशा ये ख्याल होता है कि जब आदमी मुल्क के बाहर भी जाता है, होटल के कमरा भी लेता है, तो कहता है कि नज़ारा अच्छा होना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए देखे. इतना मसरूफ़ होगा आदमी कहीं जाकर कोई कामों के अंदर, मगर कमरा लेते वक्त वो सोचे नज़ारा अच्छा होना चाहिए. तो ये तो इससे अच्छा नज़ारा तो मैंने ज़्यादा गोल्फ दूसरी जगहों पर नहीं खेली है, पाकिस्तान के बाहर भी नहीं खेली है, मगर इतना खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है. तो एक रूह परवाह कैफियत है जो लोग गोल्फ के आदी हो जाते हैं. मैं आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से ज़िक्र कर रहा था कि कराची के अंदर मैं कराची गोल्फ क्लब जो नेवी की इंतज़ामिया के अंदर है तो उसका मेंबर बना था जब वो ग्रीन नहीं था, उसमें चॉकलेट होते थे, वो डीजल के साथ मिट्टी मिलाकर वो चॉकलेट बनाई जाती थी और वो सारा घास का एक पत्ता भी नहीं होता था, सिर्फ कैक्टाई होते थे वहाँ पर. तो जब कराची गोल्फ क्लब मेंबर्स की तलाश में था ताकि वो मामलात को सीधा करे तो मैं मेंबर बन गया. मगर ये कि मेंबर बनने के बाद 15 साल शायद तकरीबन मैं खेला ही नहीं, पर मेंबर बन गया. क्लब के मेंबर बनने के भी लोग शौकीन होते हैं, मेंबर बन गया, कभी खेले नहीं. मगर एक दोस्त आकर मुसलसल कहता रहा कि चलो खेलें, चलो खेलें. तो मैंने क्लब्स भी ख़रीद लिए थे शौक़ में. अच्छा, ये चीज़ें तो आदमी ये ख़र्चे बड़े कर लेता है ना, टेनिस खेलेगा नहीं मगर टेनिस के बड़े अच्छे अच्छे क्लब्स ख़रीद लेगा. मैं स्क्वाश खेलता था, बेहतरीन क्लब्स ख़रीद लेता था उसके भी. फिर थोड़ी बहुत डीप सी फिशिंग करता था तो मेरा जो सारा वो पैराफर्निलिया था वो बड़ा महंगा, जितनी मछलियाँ नहीं पकड़ी जितने पैसे मैंने उन चीज़ डीप सी फिशिंग के लिए सब चीज़ों के ऊपर ख़र्च किए. तो लिहाजा वो मेरे दोस्त मुसलसल मुझे कहते रहे और मैं फिर उनके साथ एक दो हफ्ते कोचिंग या 3 हफ्ते कोचिंग के लिए रोज़ाना गया. तो उसके बाद वो इसको कहते हैं लत लग जाती है एक अच्छे गेम की, फिटनेस भी है, मज़ा भी आता है खेलने का और किसी का आप मुकाबला भी नहीं कर रहे होते. और एक कैफियत दूसरे गेम्स के मुकाबले में ये है कि जब आप कम्पीट भी कर रहे होते हैं ना तो जो किसी का खूबसूरत शॉट लगता है वो आपको बड़ा अच्छा लगता है. दूसरे का भी आप बर्मला कहते हैं कि गुड शॉट, बड़ा अच्छा पट किया, तो उसमें वो राइवलरी भी ऐसी है कि दूसरे के गेम को आप मुसलसल अप्रिशिएट करते हैं. तो गोल्फ़ की खूबसूरतियाँ हैं. गोल्फ़ जो है वो चीज़ सिखाता है जो पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये कि बेईमानी मत करो. सेट ट्रू टू योर स्कोर एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सेट ट्रू. तो जनाब अली, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और चीज़ों की भी, मरगला गोल्फ कोर्स को इस माना करके कि पेड़ लगाते रहते हैं, मुसलसल कोशिश करते रहते हैं. जिस कैफियत में ये जगह होगी उस कैफियत के अंदर आपने बड़ा निखार डाला, तो एनवायरनमेंट के साथ आपका बड़ा हिस्सा है. और जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी यहाँ उनको वॉकिंग के लिए लाता हूँ, कुछ को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दे गेट वेरी एक्साइटेड, इवन द यंग वंस, जब बंदर नज़र आते हैं उनको और दूसरे जानवर नज़र आते हैं
दे गेट वेरी एक्साइटेड। तो ये बिल्कुल नेचर के पास है, नेचर के करीब है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसी तरह से ये फूलता फलता रहे और ये गेम भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो, ये गेम भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो। एक्सपेंसिव गेम है, मगर ये कि पाकिस्तान के अंदर खेल जो हैं वो आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथ सलूक किया जाता है। पिछले दिनों क्रिकेट में वो कैफियत पैदा हुई, और ये एक तो हमारे क्रिकेटर्स ने मिसाल के तौर पर इतना मुकाबला किया, इतना तासुब का दौर देखा है, जो हम बैठे कुढ़ते रहते थे कि क्या हुआ। शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि एक एम्पायर की कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने पिटाई की, पिशावर का इंसिडेंट है बहुत पुराना, फिर माइक गैटिंग इंसिडेंट तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। फिर ये कैफियत के जनाब पाकिस्तान बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इंग्लैंड गया कोविड के दौरान, जब कोई नहीं जा रहा था कोविड गया, मगर ये कि जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो मैं लोगों को तसल्ली दे रहा था, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी सही बात की अपने क्रिकेटर्स को कि तुम फील्ड पर परफॉर्म वेल एंड ट्राई एंड हैंडल इट ऑन द फील्ड, सबसे अच्छा रिटर्न यही होता है। आई रिमेंबर एंड आई एक्सचेंज दैट विद द प्राइम मिनिस्टर टुडे ऑल्सो, कि बॉब विलिस ने कोई कमेंट किया विवियन रिचर्ड्स के ऊपर, और उसके तीसरे दिन मैच था एंड विवियन रिचर्ड्स को ने बॉब विलिस को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया है ना, दैट वाज हिज एक्सप्रेशन ऑन द फील्ड। तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें यूं गायब हो जाएंगी, ये सारे तासुबात, यानी जिससे हम गुजरे हुए हैं। आज ही मैं एक सर्टिफिकेट देख रहा था जिसमें कुर्सी के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता था यहाँ पर 1880 के सर्टिफिकेट्स हैं, कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर किसी जगह पर किसी फंक्शन में आएंगे तो जिनके पास कुर्सी के सर्टिफिकेट होंगे वही कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी सब लोग नहीं बैठेंगे। तो हम तो उन चीज़ों को देखते आए हैं, मगर द होल थिंग चेंजेस ऑल्सो। ये सब कुछ इंडिया से लूट लूट कर गए, मगर जब पैसा बनने लगा तो उन्हीं के हाथों से खाने भी लगे हैं। तो लिहाजा अपनी डिग्निटी, जो मैं समझता हूँ कि ये खुददार कौम है, अपनी डिग्निटी खुद ही बरकरार रखेगी। मांगे से डिग्निटी नहीं मिलती, डिग्निटी मिलती है अपने किरदार को बुलंद करने से और परफॉर्म करने से। एंड दैट इज़ वेयर पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन, एंड गोल्फ एंड स्पोर्ट्स उसमें कोई अलग कैफियत नहीं है, उसके अंदर भी हमको इसी तरह से मेहनत करके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो शुक्रिया जनाब, विश यू गुड लक ऑल प्लेयर्स, माशाल्लाह, वेल डन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की अख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गोल्फ क्लब जो ग्रीन किया जाता है वो आंखों के लिए खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल बहुत पसंद है, खुद भी खेलता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ़ का खेल बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि बेईमानी मत करो, ये भी गोल्फ़ का खेल सिखाता है। उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इज़्ज़त और वक़ार अपनी परफॉर्मेंस से मिलता है, और फील्ड में जो परफॉर्मेंस होती है उसी की वजह से इज़्ज़त और वक़ार आता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ़ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि इतना खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ़ का खेल बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, गोल्फ़ का खेल ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, मैं ख़ुद भी इस खेल को खेलता हूँ। उन्होंने गोल्फ़ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि परफॉर्मेंस के साथ ही इज़्ज़त और वक़ार मिलता है, किसी भी खेल में इज़्ज़त और वक़ार अगर चाहिए हो तो परफॉर्मेंस पर ही मबनी होता है। जितना अच्छा कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है, जितना अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उतनी ही इज़्ज़त और वक़ार उसका मुकद्दर बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि हरा भरा गोल्फ क्लब आंखों के लिए ठंडक का बाइस बनता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है
और दिलफरेब नज़ारा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ़ क्लब में नहीं है। ये बेहतरीन गोल्फ़ क्लब है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन सर, डॉक्टर आरिफ अल्फी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमएचओ गोल्फ़ चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। सदर डॉक्टर आरिफ अल्वी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमएचओ गोल्फ चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल बेहद पसंद है, खुद भी खेलता हूँ और गोल्फ का खेल बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, जैसे कि किरदार में बेहतरी लाना, ये भी गोल्फ का खेल सिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इज्जत और वक़ार किसी भी खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस से ही मिलता है। जिस कदर किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, किसी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उस कदर इज्जत और वक़ार उनका मुकद्दर बनेगी। इसी तकरीब के हवाले से हमारे रिपोर्टर रियाज बरकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे थे, सदर ममलकत भी इस तकरीब में बड़े खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक तो जो मार्गला क्लब है, गोल्फ क्लब, उनको मुबारकबाद दी है कि इतना शानदार प्रोग्राम का उन्होंने इनेकाद किया है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जिस कदर खूबसूरत नज़ारा है, किससे देख के इंसान का न सिर्फ दिल खुश हो जाता है बल्कि ज़ाहिर है हर इंसान पे एक बहुत अच्छा असर होता है। सदर ममलिकत का कहना था कि गोल्फ की जो खूबसूरती है इस खेल की, वो ये है कि इसमें ये वाहिद गेम है जिसमें आपका जो राइवल होता है, जो मुखालिफ होता है, आप अगर यानी उसकी अगर वो कोई अच्छा खेल पेश करता है, अच्छी खेल की अच्छी कारकर्दगी दिखाता है या कोई अच्छी शॉट खेलता है, तो मुखालिफ भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ये इसका जज्बा बड़ा अच्छा है कि आप अपने जो मुखालिफ हैं, जो आपका मद्द मुकाबल है, उसके अच्छे काम की भी जो है वो तारीफ करते हैं। उनका ये कहना था कि अगरचे गेम खासी एक्सपेंसिव है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इस गेम को जो है वो फ़रोग मिले, जिस तरह क्रिकेट वगैरह को पाकिस्तान में खासी मकबूलियत हासिल है, तो ये गेम भी क्योंकि इंटरनेशनल गेम है पाकिस्तान में, इसको भी फ़रोग दिया जाना चाहिए ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान अपना नाम पैदा कर सके। इसी के साथ फिर उन्होंने ज़ाहिर है क्रिकेट का भी जिक्र किया, जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को कुछ तासुबात का शिकार है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज ये दिया कि हमें मायूस होने की, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को हिदायत की है कि वो मायूस होने की बजाय इसका जो जवाब है वो खेल के मैदान में दें, अपनी अच्छी कारकर्दगी के जरिए इसका जो जवाब है वो क्रिकेट के ग्राउंड में दें। जहाँ तक मार्गला का ये गोल्फ का जो ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि क्लब न सिर्फ ये कि इस पूरे इलाके में यानी दरख्त लगा रहा है, दूसरा ये है कि माहौल का जो तहफ़ है उसमें भी किरदार अदा कर रहा है, और जो कुदरती माहौल है उसके तहफ़ में किरदार अदा कर रहा है, जो एक पॉजिटिव जो इसकी जो है वो स्टेप्स हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अल्फी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमएचओ गोल्फ चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, और बहुत लाइटर नोट पे आज सदर ममलिकत ने खिताब किया, और आला क़्यादत को इस किस्म की तकरीबात का हिस्सा बनना ये एक बहुत खूबसूरत बात है, और इस किस्म का मोराल अप करना ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अल्फी चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमएचओ गोल्फ चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल किरदार साजी के लिए भी नहायत अहम है, और उन्होंने कहा कि ये जो खेल है गोल्फ़ का, ये मुझे ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने खूबसूरत नज़ारों की भी तारीफ़ की। बहुत लाइटर नोट पे थे और बहुत खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने ये सारी बात की, पूरा खिताब किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी जगह पर अगर किसी होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं वो आँखों के लिए ठंडक का बायस बनते हैं, और ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये जो इस गोल्फ़ क्लब का है, इतनी ग्रीनरी, ये शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ़ क्लब में नहीं है, आँखों
आँखों के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडक का बायस बनता है और इस कदर दिल फरेब अगर नज़ारा हो तो इंसान खींचा चला जाता है इस किस्म के नज़ारों को देखने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ़ का खेल बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, किरदार साजी करता है, इसके लिए भी बहुत अहम है ये खेल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट को भी ये बुलंद करता है, ये भी बिल्डअप करता है, बहुत पसंद है इसी वजह से उन्हें खेल। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस खेल को खेलता हूँ और इस खेल को खेलने से बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इंसान के कैरेक्टर के अंदर भी डेवलप हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बेईमानी से बचने के लिए भी ये खेल बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ अपने हरीफ को अगर आप उसकी भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकें, उसकी भी अगर आप उसको भी अगर आप दाद देना शुरू कर दें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो किसी भी जगह पर नौजवानों में होनी चाहिए और इस किस्म का खेल किरदार साजी के लिए नहायत अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी खिलाड़ी की जो इज़्ज़त और वक़ार है वो उसकी परफॉर्मेंस में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि इज़्ज़त और वक़ार ये सब चीज़ें इसी सूरत इंसान को किसी खिलाड़ी को मिलती हैं जब वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर वो फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे तो तमाम चीज़ों का जवाब वो फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजिन, चौदहवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की अख्तितामी तकरीब और इसी सिलसिले में तकसीम इनामात की तकरीब में आपको लिए चलते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चैंपियनशिप, मे आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू काइंडली प्रेजेंट एमजीजीसी क्लब चैंपियनशिप ट्रॉफी। दिस ईयर आवर क्लब चैंपियन इज मिस्टर इर्तजा हुसैन। We'll start with Lady Amateurs category, which was played over 36 holes on 25th and 26th September. Runner-up gross is Miss Anna James Gills of Royal Palm with score of 166. Winner gross is Miss Emmy Quinn of MGGC with score of 158. In net category, runner-up is Miss Ruksana Shahid of Islamabad Golf Club with score of 140. Winner net is Mrs. Aisha Fozan of MGGC with score of 138. We move on to junior amateurs category, a match, 18-hole match played on 23rd September. Runner-up gross is Master Raza Ullah of PF Peshawar Golf Club. He could not be here. He'll be represented by Mr. Aves. Very good. Thank you.
And winner gross is Master Shayan Zia of Musif Golf Club, Sir Goda, with score of 77. In net category, runner-up is Master Hazikia Zahid of Tirbela Golf Club with score of 60. Winner net is Master Mahat Khan of PF Golf Club, Islamabad, with score of 55. Moving on to seniors category, played over 36 holes on 23rd and 24th September. Runner-up gross is Lieutenant Colonel Asif Mehdi of Lahore Garrison Golf Club. He could not be here. He'll be represented by Major Shoaib. Sir, 156. Winner gross is Colonel Shahid Budaich of Rawalpindi Golf Club with score of 155. Runner-up net is Commodore Sohail Abed of Margaret Greens Golf Club with score of 137. Winner net is Mr. Byong Dong Park of Margla Greens Golf Club, a score of 133. Very good, well played. Coming on to main category, which was played over 54 holes, we had subdivided the match in two categories, that is handicap 1 to 6 and handicap 7 to 12. And the winners are first handicap 1 to 6. Runner-up gross is Mr. Yasir Khokar of Rawalpindi Golf Club, a score of 2 to 8. Winner gross is Mr. Tokir Kiani of Margla Greens Golf Club with score of 222. Moving to net category, runner-up is Mr. Ehtisham Abbasi from MGGC, the score of 212.
And winner net of this category is Mr. Umair Saleem of Maragla Greens with score of 2-1-0. We move on to handicap 7 to 12 category. Runner-up gross is Mr. Umar Farooq of MJGC with score of 231. Winner gross is Colonel Mohammad Naheem of Garden City Golf Club with score of 225. Runner up net is Mr. Abbas Mustafa of MGGC with score of 204. Ladies and gentlemen, winner of this category, as well as overall winner of DTA 14 Chief of Naval Staff Amateurs Championship 2021 is Major Saleem of Quetta Golf Club, with score of 196. Good. Congratulations. Thank you.